हमारे बीच में राष्ट्रीय मैं ये कहूंगा और सुरेंद्र जी जब सुरेंद्र जी से मैं कहूंगा कि मैं सम्मान करें सुरेंद्र जी और सभी लोगों से कहूंगा कि आपने कमिटमेंट के बारे में कि आप यहाँ घर पर आए हैं दोस्तों मुझे गौरव की भी बात है कि मैं जिस समाज में जन्मा हूँ उस समाज में श्री रामचंद्र विद्यार्थी जैसे शहीद पैदा हुए जिन्होंने 13 साल 4 माह की उम्र में ही यूनियन जैक को हथियार करके उस समय गाजीपुर की कचहरी में तिरंगा लहराने का काम किया 14 अगस्त 1942 को और 13 माह की उम्र में क्या उम्र होती है 13 साल की क्या उम्र होती है 13 वर्ष की क्या उम्र होती है तो उसमें ऐसे सामाजिक व्यक्ति ने ऐसा काम करने का काम किया कि आज हम उसकी शहादत दिवस मनाने का काम कर रहे हैं कि और समाज में एक उसका एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से रामचंद्र विद्यार्थी देश के लिए 13 साल की उम्र में शहीद हुए हैं इसीलिए देश के लिए राष्ट्र के लिए हमें भी समर्पण की भावना रखनी चाहिए। अति पिछड़ा समाज के लिए किन सरकार कितनी संजीदा है देखो ऐसे बिहार में भी मामले हैं मैं वाला हूँ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में वाइस चेयरमैन अगर अति पिछड़े वर्ग के ध्यान पार्टी नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी तो आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जब गठन किया गया तो गठन के बाद यहीं के रहने वाले बिहार के रहने वाले डॉक्टर भगवान लाल सैनी को उसका चेयरमैन नहीं बनाते वो निषाद समाज से अति पिछड़े वर्ग से आते हैं वहीं मैं कुम्हार समाज से हूँ मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूँ यूपी का रहने वाला मुझे वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया गया दो दो आदमियों के अहम जिम्मेदारी अति पिछड़े वर्ग के होने के नाते देने का काम किया अगर देखा जाए प्रजापति समाज को राजनीति में भागीदारी नहीं मिल पाई इसको लेकर क्या कहना नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं मानता हूँ लेकिन कहीं किसी स्टेट में हो सकता रहा हो बिहार का कुछ बदला हुआ मामला हो क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश आपसे लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में अभी डॉक्टर मनोज प्रजापति को विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी से है वहीं अभी एक समाजवादी पार्टी से भी हमारे विधायक है वहीं भारतीय जनता पार्टी से MLC बनाया गया प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री बनाया हुआ है धर्मवीर प्रजापति जी को माटी कला बोर्ड का गठन करके डॉक्टर OP गोला जी को उसका चेयरमैन भी बनाया हुआ है तो ऐसा नहीं है राजस्थान में चले जाइए राजस्थान में 4-4 विधायक भारतीय जनता पार्टी से मेयर है चेयरमैन है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन बिहार का हो सकता है अभी कुछ हो तो बिहार के लोगों ने थोड़ा सा बंगला लेना शुरुआत किया ना तो हो जाएगा शुरुआत यहाँ पे।